नमस्कार किसान भाइयों, आज हम जो देख रहे हैं इस उपकरण के नाम है रिडजर। रिडजर के काम होता क्या है? एक फरो और एक रिज, मतलब एक नाली और एक मेड। इसकी उपयोग क्या है? फसल की बुआई और पानी की सही तरीका से सिंचाई के लिए करते हैं। चलिए अभी इसके उपकरण के अंदर क्या क्या सुविधा है हम देखेंगे। इसमें है तीन फर्रो, एक फर्रो तो आगे रहेगा, दो फर्रो पीछे रहेगा। इसमें अलग अलग छेद दिया हुआ, इससे हम क्या करेंगे, ये फर्रो को बाहर भी कर सकते हैं, अंदर भी कर सकते हैं। इससे हम मेड की दूरी कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके अंदर और एक सेटिंग है, इधर अलग अलग छेद दिया हुआ, इससे हम क्या करेंगे, नाली की चौड़ाई कम और ज़्यादा कर सकते हैं। आइए अभी इस उपकरण को ट्रैक्टर को कैसे जोड़ोगे देखेंगे। ये लेफ्ट लोअर लिंक सबसे पहले लेफ्ट साइड को लगाएंगे, इसके बाद यह है लिंच पिन, इसको बाद राइट साइड को लोअर लिंक को लगाएंगे, उसके बाद लिंच पिन, अभी इसके बाद टॉप लिंक पिन, इसके बाद लिंच पिन। अभी ये है पहले लेफ्ट साइड, बाद में राइट साइड, उसके बाद टॉप लिंक, ऐसे क्यों करना है? अभी इसको बोलता है लिफ्टिंग रॉड है, एडजस्टेबल लिफ्टिंग रॉड, मगर इसको एडजस्ट करना है, पिन खोलना पड़ेगा, इसलिए सबसे पहले लेफ्ट साइड को लगाएंगे, बाद में राइट साइड को थोड़ा ऊपर नीचे करने के लिए यहाँ एडजस्ट दे दिया, इसके लिए ये राइट साइड करना, तीसरा लास्ट सबसे लास्ट टॉप लिंक लगाना। हिच करने के बाद इसमें तीन सेटिंग उपलब्ध है, तीन सेटिंग करना है, एक तो लोअर लिंक और टॉप लिंक, तीसरा स्विंग प्ले। इम्प्लीमेंट को सीधा करने के लिए टॉप लिंक को टाइट कर दिया, करने के बाद इसको बराबर करने के बाद टॉप लिंक लॉक नट को लॉक करना है। इसके बाद और एक सेटिंग है स्विंग प्ले, यह है स्विंग प्ले, ये ज़्यादा है प्ले टायर को टच करेगा, अगर कम है डेप्थ नहीं मिलेगा, इसके लिए हम करना है, इसका रेकमेंडेड है 2 से 2.5 इंच तक इसका प्ले, इसका एडजस्ट कर सकते हैं या स्टे बार से। तीसरा है लोअर लिंक का एडजस्टमेंट है, इम्प्लीमेंट ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इसके लिए हम एडजस्ट रॉड से इसको एडजस्ट कर सकते हैं।